तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एल्वियोलाई को अभी लिटिल थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था, जाना था, उसमें हमने जाना था कि किस तरह से जो गैसेज हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से आर्टेरियल कैपिलरी और आर्टेरियल कैपिलरी से एल्वियोलाई की तरफ मूव करते हैं, डिफ्यूज करते हैं तीन मेम्ब्रेन्स को पार करते हुए। उन तीन मेम्ब्रेन्स के नाम को हमने जाना था। उसके बाद में हमने सर्फेक्टेंट को जाना था। सर्फेक्टेंट की कमी हो जाने से एटेलेक्टेसिस हो जाने वाला जो कंडीशन था हमने ये भी समझा था। बस उसी से संबंधित चीज़ें और नेगेटिव प्रेशर क्या होता है और एयर टाइट चैम्बर का क्या होता है और ऐसे ही जैसा कि जो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इन्हीं सब संबंधित चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही लिख रखा है इस बोर्ड पर, और सबसे पहले जो पॉइंट है हमारे पास है एटेलेक्टेसिस। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ इसका जो ये वर्ड है, जो टर्म है, इसको इस्तेमाल किया था वर्बली, इसे लिखा नहीं था, और आज के इस वीडियो में हम इसको अच्छे से दिखाएंगे। जैसे एटेलेक्टेसिस या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर एटेलेक्टेसिस या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो क्या होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर एटेलेक्टेसिस? तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर एटेलेक्टेसिस दरअसल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एल्वियोलाई होते हैं डैमेज हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। अब कोलैप्स क्यों होते हैं? कोलैप्स जो है हाई सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, जैसे कि दरअसल होता ये है कि सपोज ये एल्वियोलाई है तो इस सर्टेन फ्लूड जो है इसके इंटरनल लाइनिंग को, इंटरनल सरफेस को इस तरह से लाइन किए हुए होता है सर्टेन फ्लूड। और आपको मालूम है आपने जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर में भी सरफेस टेंशन वर्ड को जाना था, और इसी तरह आप फिजिक्स में भी सरफेस टेंशन जो टर्म है उससे रूबरू होते रहते हैं। तो सरफेस टेंशन जो होता है किसी भी लिक्विड में उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाना होता है उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो जो ये फ्लूड होता है इस एल्वियोलाई के अंदर, इसके अंदर सरफेस टेंशन डेवलप हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्सेज डेवलप हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड रहता है। अगर आप इसको फर्दर इसको छोटा साइज़ करने की कोशिश करेंगे या फिर इसको और बड़ा साइज़ करने की कोशिश करेंगे तो दोनों कंडीशन में क्या होता है कि इम्पॉसिबल हो जाता है। वो इस तरह से प्रेशर बना कर रखता है, टेंशन बना कर रखता है कि ना वो सिकुड़ सकता है, ना तो फूल सकता है, ना तो एक्सपांड कर सकता है, ना तो क्या कहते हैं कि नैरो ही हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है अगर ब्रीथिंग के दौरान एल्वियोलाई मूव करने की कोशिश करते हैं, वो एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं या फिर कंट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो एल्वियोलाई होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो दरअसल जो हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था सर्फेक्टेंट के बारे में, एक फोस्फोलिपिड लेसिथिन के बारे में, वो लेसिथिन इसी सरफेस टेंशन को, इसी फ्लूड के सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से जो है अब प्रेशर उतना इस पर नहीं रह जाता है इस एल्वियोलाई पर, और ये प्रेशर टेंशन उतना नहीं रह जाता है इस एल्वियोलाई पर, और ये एल्वियोलाई फ्रीली एक्सपांड और कंट्रैक्ट कर पाता है ब्रीथिंग के दौरान बिना कोलैप्स हुए। और अगर इस सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती है तो जो सरफेस टेंशन है इस फ्लूड का वो बरकरार रहता है, और इसे एक हिसाब से फिक्स कर इसके वॉल्यूम को रखता है ब्रीथिंग के दौरान। जब कभी भी ये जो है एक्सपांड करने का कोशिश करता है एल्वियोलाई या फिर कंट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो ये कोलैप्स हो जाता है। तो कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई ड्यू टू लैक ऑफ सर्फेक्टेंट लेसिथिन, लेसिथिन सर्फेक्टेंट के कमी के कारण अगर जो एल्वियोलाई है कोलैप्स हो जाता है, तो उसी कंडीशन को तो कहते हैं एटेलेक्टेसिस। उसी से कंडीशन को कहा जाता है, उसी सिंड्रोम को कहा जाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एटेलेक्टेसिस।
पहला पॉइंट आपको शायद क्लियर हो चुका होगा। इसी यही उम्मीद करते हुए हम दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अफेक्टेड बाय। तो जैसा कि जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई और आर्टेरियल कैपिलरी के बीच में गैसेज का डिफ्यूज़न होता है, इस चीज़ को हमने अभी तक पढ़ते आए हैं। तो तीन मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ आज ये है मेन चीज़ कि वो रेट ऑफ डिफ्यूज़न यानी कि डिफ्यूज़न कितनी रफ्तार से होगा, पर सेकेंड पर यूनिट टाइम कितना गैस इंटर करेगा एल्वियोलाई में या फिर एल्वियोलाई से पास होकर जो है आर्टेरियल कैपिलरी में जाएगा, ये है रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न के ताल्लुक से कहा जाता है थिकनेस ऑफ डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है जितनी मोटी उसे क्या कहते हैं परत मेम्ब्रेन को पार करना पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा जो है रेट ऑफ डिफ्यूज़न घट जाएगा उसका, या फिर यूँ कहा जाए कि जो है ज़्यादा टाइम लगेगा और कम गैसेज ही पास हो पाएंगे यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न घट जाएगा। ऐसे ही दूसरा, और उसे हमने टी से रिप्रेजेंट किया यानी कि डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन के थिकनेस को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, रेट ऑफ डिफ्यूज़न को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज, गैसेज का पार्शियल प्रेशर, अब जाहिर सी बात है पार्शियल प्रेशर के कंसेप्ट को आपने ज़रूर जो है केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि किसी एक वेसल में, किसी एक कंटेनर में या फिर किसी एक रूम में ऑल टुगेदर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है उसमें फ़र्क फर्क गैसेज होते हैं तो उनका टोटल प्रेशर कितना है, वाल्स पर कितना है, उसमें से मानो एक गैस आर्गन है तो आर्गन का सिर्फ कितना है, तो यही उसका पार्शियल प्रेशर होता है। यानी कि मिला जुला कर आपको सिर्फ इतना समझना है कि गैस का प्रेशर कितना है। जाहिर सी बात है जितना उसका कंसंट्रेशन होगा, जितना उसका अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर होगा। अगर एल्वियोलाई में जो है ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद है तो ज़्यादा क्या होगा, उसका प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। और ज़्यादा अमाउंट में अगर मौजूद है, जैसे कि जब एटमोस्फेरिक एयर को एक इंसान इनहेल करता है तो नाइट्रोजन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी कुछ मात्रा आती है उसके साथ एयर में, कुछ ना क्या कहते हैं ऑक्सीजन आता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है कितना है, कितना है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उस सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेज में, बस उतना ही उसी के हिसाब से उसका पार्शियल प्रेशर होगा और उसी पार्शियल प्रेशर के हिसाब से ही उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। यानी कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, जितना ज़्यादा उसका प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ही वो क्या कर पाएगा, डिफ्यूज़ कर जो है आर्टेरियल कैपिलरी में एंटर कर पाएगा। डिफ्यूज़ कर कहाँ एंटर कर पाएगा, पास कर पाएगा आर्टेरियल कैपिलरी में। इसे हमने पी से रिप्रेजेंट किया पार्शियल प्रेशर को। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, अब सोल्युबिलिटी को हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंपेरेटिवली ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं ऑक्सीजन की तुलना में, 20 से 25 गुना ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो जो ये सोल्युबिलिटी की जो बात है इसके ताल्लुक से आपको ये समझना है कि जो गैस जितना ज़्यादा सोल्यूबल होता है यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड ही क्या करता है कि गैसेज को कैरी करता है, तो जो गैस जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वो आसानी से फ्लो कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। तो एक एक डाटा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज़्यादा सोल्यूबल होता है। अब इन्हीं चीज़ों को हमने एक छोटे से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर से रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर बढ़ने पर रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ जाया करता है। ऐसे ही अगर यस से देखा जाए, सोल्युबिलिटी से अगर देखा जाए, तो जो जिस गैस का सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगा ब्लड में, वो गैस क्या करेगा, बहुत फास्ट वो डिफ्यूज़ करेगा, वो मेम्ब्रेन को काफ़ी आसानी से कम समय में ज़्यादा अमाउंट में कर वो गैस का होगा क्या होगा, पास कर चला जाएगा, डिफ्यूज़ होकर चला जाएगा। यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ने से भी क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ जाता है। ऐसे ही थिकनेस की बात अगर की जाए, तो हमने जैसा कि जाना था कि थिकनेस बढ़ने पर रेट ऑफ डिफ्यूज़न घट जाता है, थिकनेस बढ़ने पर रेट ऑफ डिफ्यूज़न घट जाता है और थिकनेस घटने पर रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ जाया करता है। तो इतनी चीज़ें जानने के बाद अब हमें जानना होगा जैसे कि नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, एयर टाइट चैम्बर क्या होता है, और जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि हाँ यही थोरैसिक चैम्बर को ही
एयर टाइट चैम्बर कहा जाता है, और ये जो एयर टाइट चैम्बर होता है इसे एयर टाइट चैम्बर क्यों कहते हैं, नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में चलिए हम अब देख लेते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लंग्स होते हैं ये लंग्स सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, यानी कि रुई की तरह होते हैं या फिर यूँ कहा जाए कि फोम की तरह होते हैं। प्रेस करने पर कुछ हमें सॉफ्टनेस महसूस होता है, स्पॉन्जनेस जीनेस महसूस होता है, सॉलिड और स्पॉन्जी होते हैं, इसमें कोई शक की जगह नहीं है। अब इसके बाद में जो थोरैसिक चैम्बर होता है, यानी कि थोरैसिक कैविटी के अंदर ही लंग्स मौजूद हैं, इस चीज़ को हमने जाना था प्रीवियस वीडियो में। तो थोरैसिक जो चैम्बर है, उस कैविटी के द्वारा बनाया गया हुआ चैम्बर है, वो कहीं से भी लीक नहीं करता, कहीं से भी लीक नहीं करता। सपोज़ इस सिलेंडर को आप ले लीजिए, ये सिलेंडर किसी भी तरफ से आपको कोई भी होल इसमें नहीं नज़र आ रहा है, तो ये क्या कर नहीं रहा है, ये लीक नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर एक लीड लगा दिया जाए तो ये एक एयर टाइट चैम्बर है, एक एयर टाइट चैम्बर है। तो इसी तरह जो ये होता है आपका थोरैसिक चैम्बर होता है, ये थोरैसिक चैम्बर क्या होता है, एयर टाइट चैम्बर होता है, इसमें कोई भी होल नहीं होता है सिवाय ट्रेकिया के, सिवाय इसमें भी एक आप इस तरफ देख रहे हैं, और कोई भी दूसरा होल यानी कि दूसरी तरफ से होल नहीं होता, तो ऐसे को एयर टाइट चैम्बर कहा जाता है। अब एयर टाइट चैम्बर में होता क्या है एक्चुअली, कि जब ये थोरैसिक चैम्बर बढ़ेगा, वॉल्यूम में बढ़ेगा, तो एक्चुअली होता क्या है कि इसका जो वॉल्यूम बढ़ने से जो है एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। अब इसे हम इस तरह से समझेंगे, जैसे कि आप इस सिलेंडर में देखिए, सपोज़ आप एक इंजेक्शन लिए हुए हैं, एक सिलेंडर लिए हुए हैं, जब आप उसको तानेंगे तो कुछ वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट होगा, कुछ खाली स्पेस क्रिएट होगा, बस इसी खाली स्पेस को भरने के लिए जो एयर है बाहर से अंदर की तरफ रश करेगा, अंदर की तरफ आएगा, स्पीड से आएगा, एयर आएगा, हवा आएगा और उस खाली स्पेस को भर लेगा। तो ये जो प्रेशर से आया, जिस प्रेशर से, उसी प्रेशर को, तानने वाले प्रेशर को ही नेगेटिव प्रेशर कहा जाता है। अगर ढकेलने वाला प्रेशर है, पुश करने वाला प्रेशर है, तो उसे क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर कहा जाएगा। अगर तानने वाला प्रेशर है, यानी कि जो है उसे क्या कहा जाए, पुल करने वाला प्रेशर है, तो उसे नेगेटिव प्रेशर कहा जाएगा। तो यहाँ भी यही तो हो रहा है कि जब थोरैसिक चैम्बर का साइज़ बढ़ रहा है, जैसा कि हम जानेंगे मेकानिज्म ब्रीथिंग में किस तरह से जो थोरैसिक चैम्बर है उसका जो वॉल्यूम है बढ़ता है, इस चीज़ को हम महसूस करेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि जब थोरैसिक चैम्बर का जो है वॉल्यूम बढ़ता है, तो खाली स्पेस अंदर की तरफ जो क्या है क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से बाहर के तरफ से जो एयर होता है, एटमोस्फेरिक एयर रश करता है लंग्स की ओर, यानी कि एक नेगेटिव प्रेशर उन्हें तान कर लाता है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ, कि जो मैमलियन लंग्स होते हैं वो सॉलिड और स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है, सॉलिड स्पॉन्जी हैं, उसके बाद में इसमें नेगेटिव प्रेशर पाया जाता है, नेगेटिव प्रेशर पाया जाता है, नेगेटिव प्रेशर से ही इनमें जो है एयर रश करता है, और ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है। जो एयर टाइट चैम्बर होता है, कहीं से भी इसमें लीकेज नहीं पाया जाता, सिर्फ जो ट्रेकिया है यही एक रास्ता होता है जिससे एयर एंटर करता है या फिर बाहर जाता है, और कहीं से भी वो लीक नहीं करता है, इसीलिए उसे एयर टाइट चैम्बर कहा गया। तो यही कुछ चीज़ें थीं जो कि हमें आज के इस वीडियो में डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर उसे कमेंट कर पूछें, अगर कोई राय है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इसी तरह रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।